बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सुलेट है कराची में उधर, वो देखा है ना, दो तलवार से अगर आप सीधा जाएंगे, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, वो जो है इतने से डरबे में, मतलब इतना से तो मैं ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हूँ, बहुत ही कम छोटे उसमें एक डरबे नुमा, जैसे मुर्गी को नहीं, मुर्गी बेचारियों को जुल्म करते हैं, ठूसा हुआ होता है एक डरबे में और पटखरे होते हैं वो ऐसे, वैसे मुझे पटखा तो नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही छोटे कमरे में, लेकिन एसी चल रहा था, देख लिया ये थम्स डाउन है नॉट अप, ओके। तो अच्छा, तो बड़ी मैंने चीज़ें जमा करी इंडोनेशियन कॉन्सुलेट पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, पहले तो बोल रहे थे एजेंट के जरिए होगा, एजेंट के जरिए, मैंने कहा भाई मैं डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो सही है। तो फिर मैं आई, तो मुझसे पहले जो लड़का खड़ा था उससे मोहतरमा क्या पूछ रही है कॉन्सुलेट पर बैठी हुई, तुमने सिलेक्शन में वोट किसको दिया था, ये कॉन्सुलेट पर सवाल हो रहा है। वो लड़का भी सही निकला, उसने भी जवाब नहीं दिया, उसने नहीं बताया उसने किसको दिया था, क्योंकि उसका मसला है वो नहीं बता रहा, भाई आप ये पूछ रहे हो कॉन्सुलेट पे बैठे हुए, तो बहुत टफ सवाल हो रहे थे। नहीं नहीं तो खैर अब मेरी बारी आई। अच्छा, मेरे से एक बड़ी गलती हुई कि मैंने कहा कि यार मैं कॉन्सुलेट जाके वो पिक्चर पेस्ट कर दूंगी फॉर्म पे, लेकिन फिर मेरी बारी फ़ौरन आ गई थी, इतना सा डरबा था, सिर्फ मैं थी, एक और बंदा था और वो लड़का जो खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि आ जाओ भाई निहारी तैयार। मैंने कहा अच्छा खैर मैं आ जाओ, आपकी बारी आ गई है। तो मैं खुशी से फूली ना समाती हुई जब उसकी खिड़की पे बैठी, वो शीशे के पीछे से बात करती है, ऐसे शीशा है नज़र आ रही होती है, वो ट्रांसपेरेंट शीशे के पीछे से बात कर रही होती है, एक छोटी सी खिड़की जिसमें से आप उसके नीचे से आप चीज़ें खिसका देते हो। अब मैं सामने खड़ी हूँ, वो मुझसे कहती है कि तुमने ना कह रही तस्वीर पे चिपकाई नहीं, मतलब बहुत ही बदतमीजी से कहा, इस तरह तो नहीं लेकिन तस्वीर चिपकाई नहीं, ये कह के देखने लगी चीज़ें, पढ़ते पढ़ते कहने लगी कि ये जो तुम्हारी होटल रिजर्वेशन है ना, शायद अंग्रेज़ी में बात करी थी, उर्दू में सॉरी मुझे याद नहीं, 2 साल पहले हुआ होगा ये, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो रिजर्वेशन है ना इसमें आ रहा है कुछ घंटे का फ़र्क तुम्हारी फ़्लाइट से, इफ़ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली। तो मैंने बोला कि तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो क्लियरेंस करते हुए 2 घंटे या 1.5 घंटा तो लगता ही है, तो अगर 3 आवर्स का फ़र्क भी आ रहा है तो सही है। दोबारा कह रही कि तुम्हारा फ़र्क आ रहा है, तो मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा कि बट दैट इज़ मैनेजेबल। ये वो उसने क्या किया, मैं उस वक्त इस तरफ खड़ी हुई थी शीशे की और वो इधर सामने ही थी, इतना चिल्ला के इतनी तूफान बदतमीजी से उसने कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है, ये कह के मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होके गई थी, पर वही है कि होता कभी कुछ है भी, इतनी बदतमीजी से उसने बात की है कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ कि नकल भी बंदा कैसे वो इतनी एग्जैक्ट बता रहे, बहुत ही तूफानी, क्योंकि वो बात सीधे तरीके से भी कह सकती थी कि भाई आई डोंट थिंक यू आर करेक्ट तो या यू आर राइट, और कह रही थी यू हैव बीन रिजेक्ट, इतना चिल्ला, और किस बात पर कि 3 साढ़े 3 घंटे का या मैक्सिमम 4 होगा, इससे ज़्यादा तो ये तो वो क्यों फ़र्क आ रहा है। अरे तो भाई तुम क्या, जहाज़ जब लैंड होता है तो जहाज़ सीधा होटल के कमरे के दरवाजे के बाहर लैंड करके कहता है कि चल भाई आ गया तेरा स्टाफ आ गया स्टाफ, तो ये बहुत बदतमीजी हुई। और मुझे अच्छा, मैंने उसको एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, हालांकि मेरे मुंह में भी जाहिर है ज़बान है, और घर आके मैंने सोचा कि वो जो मैंने एक ख्वाब देखा था इंडोनेशिया जाने का, वो तो चकनाचूर हुआ, बात रिजेक्शन की नहीं होती, बात होती है उन्होंने बिहेव किस तरह किया। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कोरियन कॉन्सुलेट पे मेरे साथ क्या हुआ था, तो उसमें मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि वो बदतमीजियाँ कर रहे थे, ये तो वो तूफान बदतमीजी, सोचा आप एक डरबे में खड़े हैं जिसमें एसी लगा हुआ है, एक गार्ड खड़ा हुआ है और वो एक खिड़की से एक औरत आपको चिल्ला चिल्ला के कहे तेरा बड़ा घर को, मतलब एक मिसाल दे, और मुझे बड़ा दिल टूटा था बिकॉज आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो हज करें ज़रूर इंशाल्लाह, अगर आपकी इस्तेआत है तो, या आप कर सकते हैं तो ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम।